हेलो चिल्ड्रेंस वेलकम टू सी बस सी मेस बाई आर पी गुप्ता चिल्ड्रेंस इफ़ यू आर न्यू ऑन माई चैनल यू कैन सब्सक्राइब माई चैनल इन दिस चैनल आई यूज टू अपलोड द वीडियोज फॉर क्लास नाइन्थ टेंथ एंड एलेवेंथ एंड ट्वेल्थ तो बच्चों आज का जो हमारा टॉपिक है वो है फंक्शंस ये क्लास ट्वेल्थ का टॉपिक है ये बहुत ही इंपॉर्टेंट टॉपिक है इस टॉपिक से रिलेटेड वन और टू क्वेश्चन हमारे हमें बोर्ड एग्जाम में देखने को मिल जाते हैं तो इस पॉइंट ऑफ व्यू से ये ये जो टॉपिक है बहुत ही इंपॉर्टेंट हो जाता है सबसे पहले हम बात करते हैं फंक्शंस क्या होते हैं ठीक है इसके पहले हम रिलेशन पे वीडियो बना चुके हैं और आप अगर वो वीडियो देखना चाहते हैं तो हम आई बटन में उसका लिंक दे देंगे आप उस वीडियो को देख सकते हैं चलिए बात करते हैं फंक्शन की यहाँ पर फंक्शन की बात कर रहे हैं तो फंक्शन को मैपिंग कैसे मैपिंग फंक्शन जो होता है वो मैपिंग भी उसको हम मैपिंग भी बोलते हैं ठीक है तो यहाँ पे फंक्शन की डेफिनेशन क्या गिवन है अगर हम बात करें डेफिनेशन की वाट इज द डेफिनेशन ऑफ द फंक्शन इज गिवन हियर अ फंक्शन इज अ रिलेशन वेयर देयर इज ओनली वन आउटपुट फॉर एवरी इनपुट इन अदर वर्ड्स फॉर एवरी वैल्यू ऑफ एक्स देयर इज ओनली वन वैल्यू फॉर वाई अ फंक्शन रूल डिस्क्राइब्स हाउ टू कन्वर्ट एन इनपुट वैल्यू एक्स इन टू एन आउटपुट वैल्यू वाई फॉर गिवन फंक्शन तो लेट्स आई एम गोइंग टू टेल यू वन थिंग बेटा देखिए बच्चों ये तो डेफिनेशन हो गई तो डेफिनेशन से हटके अगर हम ये बात करें तो हमारे कहने का मतलब ये है कि हर इनपुट के लिए फॉर ईच इनपुट हर इनपुट के लिए हमें क्या मिले हर इनपुट पे हमें क्या मिले ओनली वन आउटपुट मिले फॉर एवरी इनपुट वी गेट वन आउटपुट हम लोग को क्या मिल जाए वन आउटपुट मिल जाए जरा समझाते हैं किस तरीके से जैसे देखो एक हमारे पास एग्जाम्पल है वाइज कल टू टू एक्स प्लस थ्री एक हमारे पास एग्जाम्पल क्या है वाइज कल टू टू एक्स प्लस थ्री तो बच्चों जरा एक रिलेशन गिवन है वाइज कल टू टू एक्स प्लस थ्री तो हमने क्या किया देखो समझना ध्यान से एक इस तरीके से लिप्स हमने इधर ड्रॉ किया और एक ही हमने इस तरीके से इधर ड्रॉ किया तो अब जरा देखना यहाँ पर हम क्या कर रहे हैं यहाँ पर हम वैल्यू ले रहे हैं एक्स की और यहाँ पर वैल्यू किसकी ले रहे हैं वाई की वैल्यू ले रहे हैं तो ज़रा देखना अगर हम यहाँ पे वन पुट कर दें तो यहाँ पे देखना क्या मिलेगा अगर यहाँ पे वन पुट करो टू इंटू वन टू टू प्लस थ्री फाइव तो देखो हमको क्या मिल रहा है कि जो फाइव का रिलेशन है इससे वन से तो फाइव की हमको एक सिंगल वैल्यू हमको देखो अगर हम फाइव पुट कर रहे हैं जब हम एक्स वाई की वैल्यू फाइव पुट कर रहे हैं तो हमें क्या मिल रहा है एक्स की वैल्यू हमें मिल रही है वन अगर हम एक्स की वैल्यू टू पुट कर दें सपोज करिए टू पुट कर दिया तो टू टू जा फोर प्लस थ्री सेवन हो गया तो इसका मतलब हमें वाई की वैल्यू कितनी मिल गई वाई की वैल्यू हमें मिल गई कितनी सेवन मिल गई अगर हम एक्स की वैल्यू थ्री पुट कर दें तो देखना थ्री टू जहा सिक्स सिक्स थ्री नाइन हमें क्या पता चला कि जो थ्री की वैल्यू नाइन तो आप देख सकते हैं कि जो भी हम इनपुट कर रहे हैं यहाँ पर क्या हो रहा है जो भी हम इनपुट कर रहे हैं सपोज तो करिए अगर हम वाई की वैल्यू कोई भी पुट कर रहे हैं यहाँ से इसको इस तरीके से भी ले सकते हैं कि टू एक्स इज्क्ल टू वाई माइनस थ्री और एक्स इजल टू वाई माइनस थ्री बाई टू तो हमने क्या किया ऐसी कोई भी वैल्यू लेंगे हम जो थ्री से क्या होगी मोर देन होगी जैसे हमने यहाँ पे फाइव पुट किया तो फाइव पुट करने पे हमको क्या मिला वन मिला कि फाइव माइनस थ्री टू टू बाई टू वन आ गया फिर सेवन पुट किया फिर टू मिल गया नाइन पुट किया थ्री मिल गया तो आप देख सकते हैं कि हर इनपुट के लिए हमें क्या मिल रहा है एक आउटपुट मिल रहा है तो इसी को हम लोग क्या बोलते हैं फंक्शन बोलते हैं ठीक है अगर हमें हर इनपुट के लिए एक आउटपुट मिल रहा है तो इसको हम बोलते हैं फंक्शन अब बच्चों बात आती है फंक्शन में कुछ चीज़ें होती हैं कि जो फर्स्ट चीज़ है डोमेन डोमेन क्या होता है तो यहाँ पे जो हमारे पास वर्डिंग गिवन है जो डेफिनेशन गिवन है डोमेन की वो गिवन है द डोमेन ऑफ अ फंक्शन इज अ सेट ऑफ ऑल पॉसिबल इनपुट फॉर द फंक्शन ऑल द पॉसिबल इनपुट फॉर अ फंक्शन तो बच्चों अगर हम बात करें इसको एक सेट के माध्यम से जरा दिखाते हैं आपको मैपिंग के थ्रू इसको दिखाते हैं आपको हम एक जरा दिखिएगा इधर ये हमने हम बात करते हैं डोमेन की तो डोमेन के लिए हम क्या करेंगे सबसे पहले हमने डोमेन के लिए क्या किया बच्चों हम यहाँ पे ड्रा डौग, करते हैं इसको मैपिंग के माध्यम से आपको बताते हैं देखिएगा तो हमने क्या किया बच्चों यहाँ पर हम एक इप्स ड्रा करते हैं एक इलिप्स ऐसे ड्रॉ कर लेते हैं इस तरीके से और एक इलिप्स इस तरीके से ड्रा कर लेते हैं सेब मत देखो बातें समझो तो अब देखो जैसे हमने सपोज किया कि एक हमारे पास सेट दो सेट हमारे पास हैं इसको हमने बोल दिया फर्स्ट सेट इसको हमने बोल दिया सेकेंड सेट ए और बी सेट हो गए ठीक है तो हमने क्या कहा बच्चे यहाँ पर मान लो हमारे पास एक्स वाई और जेड ये तीन चीज़ें हैं ठीक है और यहाँ पर हमारे पास मान लो हमारे पास नंबर है वन थ्री फाइव सेवन इस तरीके से है तो हमने क्या किया बच्चे यहाँ पे एक रिलेशन गिवन है ए और एफ के बीच में ए और बी के बीच में एक रिलेशन गिवेन ठीक है तो अभी बच्चे अभी हम क्या कर रहे हैं ध्यान समझना कि जो x रिलेट है वो रिलेटेड किससे से वन से रिलेट कर रहा है y किससे रिलेट कर रहा है थ्री से रिलेट कर रहा है और z किससे रिलेट कर रहा है फाइव से रिलेट कर रहा है तो बच्चों देखना जितनी भी वैल्यू सेट ए में है ऑल द वैल्यू ऑफ सेट ए ऑल द वैल्यू ऑफ सेट ए आर डोमेन ऑल द वैल्यूज ऑफ सेट ए आर डोमेन तो उसमें हम उसको क्या बोलते हैं उसको बोलते हैं डोमेन नेक्स्ट बात आती है को डोमेन की तो कोडोमेन क्या होता है द कोडोमेन ऑफ फंक्शन इज द सेट ऑफ इट्स पॉसिबल आउटपुट्स इसको ध्यान से समझना पॉसिबल आउटपुट्स नॉट द फिक्स आउटपुट तो पॉसिबल आउटपुट हमारे पास कितने हो सकते हैं वन भी हो सकता है थ्री भी हो सकता है फाइव भी हो सकता है सेवन भी हो सकता है तो so, हम इसको इस तरीके से बोल सकते हैं ऑल द एलिमेंट ऑफ ऑल द एलिमेंट्स ऑफ सेट बी ऑल द एलिमेंट्स ऑफ सेट बी हमने देखा कि सेट बी में हमारे पास चार हमारे पास कितने एलिमेंट हैं फोर एलिमेंट्स हैं तो हम क्या कह सकते हैं कि ऑल द एलिमेंट्स ऑफ सेट बी जो होंगे वो क्या होंगे कोडोमेन होंगे अब बात आती है रेंज तो रेंज के लिए बेटा हम क्या करते हैं जिन से जिन जिन एलिमेंट्स से सेट ए के एलिमेंट्स कनेक्ट होंगे सिर्फ वही जो एलिमेंट होंगे वो रेंज कहलाएंगे तो इसमें क्या क्या है द सेट ऑफ ऑल आउटपुट वैल्यूज ऑफ अ फंक्शन इज नोन ए रेंज तो हमें क्या पता चला हमारे पास रेंज क्या क्या आ जाएगी यहाँ से अच्छा ज़रा डोमेन की हम वैल्यू लिख देते हैं यहाँ पे डोमेन क्या आया हमारे पास एक्स कॉमा वाई कॉमा जेड ये डोमेन हो गया हमारे पास हमारे पास कोडोमेन क्या है कोडोमेन है वन थ्री फाइव और सेवन ये कोडोमेन है अब अगर हम बात करें नेक्स्ट टॉपिक जो हमारे पास रेंज है रेंज क्या होगी हमारे पास रेंज आएगी वन थ्री एंड फाइव क्यों क्योंकि वन थ्री फाइव्स आर कनेक्टेड विथ एक्स वाई एंड जेड तो हमने क्या देखा बच्चों यहाँ पे हमने सीखा डोमेन डोमेन क्या होता है ऑल द वैल्यूज ऑफ सेट एम उसके बाद हमने सीखा को डोमेन को डोमेन क्या होता है ऑल द वैल्यूज ऑफ सेट बी उसके बाद हमने लास्ट में सीखा रेंज रेंज क्या होती है कि वो सभी वैल्यूज सेट बी की जिनसे सेट ए की वैल्यूज कनेक्टेड थी उसको हम लोग क्या बोलते हैं उसको हम लोग बोलते हैं रेंज ठीक है तो चिल्ड्रन अब हम लोग देखने जा रहे हैं नेक्स्ट टॉपिक इसी के बारे में डिस्कस करते हैं तो बच्चों जो हमारा नेक्स्ट टॉपिक है वो जो देखिए देखते हैं क्या है चिल्ड्रन लेट मी टेल यू हाँ तो चिल्ड्रेन नेक्स्ट टॉपिक इज टाइप्स ऑफ फंक्शन अब बात आ गई टाइप्स ऑफ फंक्शन भी हमने सीखा कि फंक्शन क्या होता है और रेंज क्या होती है तो चलिए अब हम लोग डिस्कस करते हैं अपने फर्स्ट फंक्शन के बारे में ये हमारा जो फर्स्ट फंक्शन है वो है वन वन और इस वन वन फंक्शन को हम लोग इंजेक्टिव फंक्शन भी कहते हैं बच्चे ये बहुत तीजी है जो इसकी डेफिनेशन डेफिशन है फंक्शन एफ इज सच दैट एक्स एक्स टू वाई इज सेट टू बी वन टू वन और इंजेक्टिव फंक्शन इफ द इमेज ऑफ डिस्टिंक्ट एलिमेंट ऑफ एक्स अंडर एफ आर डिस्टिनिक तो उसको बच्चों समझते हैं कि देखो है क्या बच्चे हमारे पास देखो दो हमारे पास क्या गिवन है सेट गिवन है तो बच्चे हम यहाँ पे सेट लिख लेते हैं इसको हम क्या बोल देते हैं फर्स्ट सेट बोल देते हैं इसको बच्चे हम सेकंड सेट बोल देते हैं और हम क्या करते हैं एक्स और वाई को इस तरीके से कनेक्ट कर देते हैं यहाँ पे एफ़ यह लिख देते हैं तो बच्चे करना क्या जैसे मान लीजिए हमने यहाँ पर कितने हमने कुछ वैल्यू ले ली सपोज तो करिए वन टू थ्री फोर फाइव और सिक्स ये सिक्स वैल्यू हमारे पास थी और यहाँ पर हमारे पास वैल्यू थी ए बी सी डी ई एफ जी इस तरीके से वैल्यू थी तो बच्चे हुआ क्या है यहाँ पे जरा ध्यान से देखना जो वन हमारा है तो बच्चे वन वन के लिए क्या होता है वन टू वन मतलब इसका क्या है बेटा वन का रिलेशन वन से होना चाहिए वन का रिलेशन वन से होना चाहिए मतलब सिंगल का सिंगल से रिलेशन सिंगल का सिंगल से रिलेशन तो आप देख सकते वन का रिलेशन ऐसे है टू का रिलेशन बी से है थ्री का रिलेशन सी से है और हमको देखना जब हम वन टू वन की हम जब बात करते हैं वन वन फंक्शन की तो यहां पे एक चीज और याद रखिएगा कि हर एलिमेंट की हर एलिमेंट की जो एक्स में जितने भी एलिमेंट अवेलेबल हैं उनकी हमको डिस्टिनिक्ट इमेज मिलनी चाहिए डिस्टिनिक्ट इमेज का मतलब होता है डिफरेंट एक की सेम नहीं हो सकती जैसे हमने देखा कि वन की जो हमको इमेज मिल रही है ए मिल रही है अगर हम कहेंगे कि वन की इमेज क्या है बी है ए बी है बी भी है तो नहीं ऐसा नहीं होगा अगर ऐसा है तो वो इंजेक्टिव नहीं होगा तो बात समझ में आ गई बच्चों और इंजेक्टिव के लिए हम लोग जब कभी इंजेक्टिविटी चेक करेंगे तो सिर्फ और सिर्फ सेट ए e को देखेंगे कि अगर सेट ए के सभी एलिमेंट सेट बी के एलिमेंट से कनेक्ट हैं तो ये क्या होगा इंजेक्टिव होगा या वन वन होगा यहाँ पे देखिए जैसे जी जी नहीं कनेक्ट है किसी भी एलिमेंट से यहाँ पर नहीं कनेक्ट है एक्स के लेकिन तब भी क्या है इंजेक्टिव क्योंकि हम किसकी बात करते हैं हम बात करते हैं सेट फर्स्ट की सेट एक्स की बात करते हैं ठीक है चिल्ड्रेन चलिए हम लोग नेक्स्ट देखते हैं नेक्स्ट हमारे पास कौन सा अब देखिए सेकेंड वाला जो हमारे पास आ गया मेनी वन तो मेनी वन का मतलब क्या होता है यहाँ पर मेनी मतलब जो सेट ए के मेनी एलिमेंट्स हैं मतलब बहुत सारे जो एलिमेंट्स हैं उनकी क्या होगा उनकी हमको एक ही इमेज मिल सकती है बहुत सारे जो एलिमेंट्स हैं उनकी सिंगल इमेज मिल सकती है जरा देख देखते हैं बताते हैं कैसे देखिए ये देखिए हमारे पास ये हमने इसको बोल दिया ए इसको हमने बोल दिया बी और इसको इस तरीके से कनेक्ट कर दिया इसको बोल दिया एफ ठीक है अब देखो हम करते क्या है यहाँ पे जैसे हमने ले लिया ए वन ए टू ए थ्री ए फोर ए फाइव फाइव एलिमेंट्स ले लिया बच्चे अब यहाँ पे देखना हमने क्या ले लिया हमने ले लिया क्या हमने ले लिया बी वन बी टू बी थ्री बी फोर और बी फाइव तो देखना अभी हमने कहा कि जो ए वन है बच्चे ए वन बी वन से भी कनेक्ट है और ए वन जो है वो बी थ्री से भी कनेक्ट है समझते रहे ना मेरी बात को जो ए टू है वो बी टू से कनेक्ट है और जो ए थ्री है वो ए थ्री बी फोर से कनेक्ट है जो ए फोर है वो वो भी किससे कनेक्ट है वो बी वन से भी कनेक्ट है ए फोर तो आप यहाँ पर क्या देख रहे हैं आपने एक चीज़ ऑब्जर्व की बच्चों कि एक ही यहाँ पर देखो क्या है बहुत सारे एलिमेंट्स की हमको यहाँ पे बहुत सारे एलिमेंट्स की क्या मिल रही है हमको एक सिंगल सिंगल देखो बच्चे एक चीज और सम... तो मैंने क्या कहा इसको बच्चों हम लोग कहते हैं इमेज इसके बारे में पता होगा आपको इसको क्या कहते हैं इमेज कहते हैं तो इसे क्या कहते हैं इसे कहते हैं प्री इमेज प्री इमेज तो आपने देखा कि जितनी भी हमारी प्री इमेजेस थी एक प्री अगर हमारे पास मेनी वन -e का मतलब क्या है कि हमारे पास सेट बी में से है सेट ए के मेनी एलिमेंट्स सेट ए के मेनी एलिमेंट्स किससे कनेक्ट हैं सेट बी के सिंगल एलिमेंट से कनेक्ट हैं लेट मी टेल यू हाउ जैसे हमने कहा क्या कहा देखना ध्यान से इमेज ऑफ एवन अगर हम ए एवन की बात करें इमेज ऑफ एवन इमेज ऑफ एवन इमेज ऑफ एवन देखो कौन कौन से बन नहीं एवन कहाँ किससे किससे कनेक्ट है एवन बी वन से भी कनेक्ट है एवन बी थ्री से भी कनेक्ट है तुम कहोगे बी वन एंड बी थ्री बी वन एंड बी थ्री लेकिन वन वन में ऐसा नहीं होता था वहाँ पर जो एक सिंगल एलिमेंट होता था सिंगल से कनेक्ट होता था तो यहाँ पर बच्चे क्या है कि यहाँ पर जो सिंगल एलिमेंट होगा वो बहुत सारे से मतलब एलिमेंट सारे से कनेक्ट होगा मतलब ए का जो सिंगल एलिमेंट होगा वो बी के बहुत सारे एलिमेंट से कनेक्ट होगा ठीक है बच्चों चलिए अब हम लोग बात करते हैं मेनी वन के बाद में नेक्स्ट देखते हैं हमारे पास कौन सा है तो बच्चे जो नेक्स्ट है हमारे पास उसे हम लोग बोलते हैं ऑन टू इसे हम लोग क्या बोलते हैं इसे हम लोग बोलते हैं ऑन टू फंक्शन और ऑन टू फंक्शन भी इसे बोलते हैं और इसे हम एक चीज़ और कहते हैं इसे हम लोग बोलते हैं सर्जेक्टिव फंक्शन भी बोलते हैं अब ये सर्जेक्टिव फंक्शन क्या होता है बच्चे ये क्या गिवन है हमारे पास इफ़ फॉर एवरी एलिमेंट ऑफ बी देर इज एटलीस्ट वन और मोर देन वन एलिमेंट मैचिंग भी दे देन द फंक्शन इज सेट टू बी ऑन टू फंक्शन और सर्जेक्टिव फंक्शन इसमें बच्चे क्या है हमारे पास बात सुनना ध्यान से यहाँ पर बच्चे क्या है कि हम जब ऑन टू की बात करते हैं तो इसका मतलब क्या है कि फॉर एवरी एलिमेंट ऑफ सेट बी मतलब जो बी में से एलिमेंट हमारे पास अवेलेबल हैं उनकी हमको क्या मिलनी चाहिए उनकी हमको एक से ज़्यादा प्री इमेज मिलनी चाहिए उनकी हमको क्या मिलनी चाहिए एक से ज़्यादा प्री इमेज मिलनी चाहिए तो ज़रा दिखाते हैं आपको देखिए ए है ये क्या है बी है ठीक है तो हमने यहाँ पे क्या बोल दिया वन टू थ्री इस तरीके से और यहाँ पर क्या बोला है ए बी सी डी इस तरीके से चार एलिमेंट ए में है बी में तीन एलिमेंट तो हमने क्या किया बी में जो हमारे पास एलिमेंट हैं किसी भी एलिमेंट की क्या होगा एक से ज्यादा कनेक्ट होंगे किससे ए से जरा देखना हम बताते हैं आपको कैसे देखना बी को जो था हमने कहा कि जो बी है वन वन किस से कनेक्ट है ए से भी कनेक्ट है वन बस सुनना बच्चों और जो वन हमारा है जो हमारे पास वन था वो किससे कनेक्ट था वन ए से भी कनेक्ट है और वन जो है हमने कह दिया सी से भी कनेक्ट है जो बी है टू से कनेक्ट है और जो डी है वो थ्री से कनेक्ट है तो आपने क्या देखा बच्चे इफ फॉर एवरी एलिमेंट ऑफ बी देर इज लीस्ट वन या तो एक हो या तो एक से ज्यादा हो किसमें एलिमेंट हो ए में एलिमेंट हो तो हमने देखा बी में हमारे पास देखो वन है बी में क्या है वन है और हमको बी में जो वन है किससे ए के दो एलिमेंट से कनेक्ट हो रहा या तो एक एलिमेंट से कनेक्ट हो जाए या तो दो एलिमेंट से कम से कम कनेक्ट हो जाए समझ रहे बच्चों तो इसे हम लोग क्या बोलते हैं इसे हम लोग बोलते हैं ऑन टू फंक्शन और इसे हम लोग सर्जेक्टिव भी बोलते हैं तो यहां पर जब हम ऑन टू की बात करते हैं तो हम लोग किसको प्रियोरिटी देते हैं हम लोग प्रियोरिटी देते हैं सेट बी को हम किसको को देते हैं हम प्योरटी देते हैं सेट बी को हम किसको देखेंगे हम चेक करेंगे सेट बी के लिए ठीक है बच्चों चलिए अब हम लोग देखते हैं नेक्स्ट पार्ट देखते हैं नेक्स्ट पार्ट हमारे पास क्या है बच्चों एक चीज़ और हम बताना चाहेंगे आपको एक चीज़ और यहाँ पे होती है एक चीज़ होती है यहाँ पे इन टू इन टू क्या चीज़ होती है उसके बारे में थोड़ा समझा देते हैं आपको ये तो ऑन टू के लिए हो गया अब जरा अगर हम इन टू के लिए बात करें बच्चों इन टू फंक्सन क्या होते हैं इसी से हम बताते हैं इसी पर ज़रा एक सीन देखते हैं हम लोग हाँ तो बच्चों अब हम नेक्स्ट टॉपिक की बात करते हैं तो हमारे पास क्या है इंटू फंक्शन अब बेटा इंटू फंक्शन क्या होता है इंटू फंक्शन क्या है बच्चे इसको समझते हैं जरा ध्यान से तो इंटू फंक्शन बहुत ही ईजी फंक्शन है बच्चे जिस तरीके से ऑन टू था उसी तरीके से इन टू भी लेकिन इसमें थोड़ा सा ट्विस्ट है ट्विस्ट क्या है जरा देख देखते हैं जिससे मान लीजिए ये सेट ए है और ये सेट बी है और दोनों सेट को हमने इस तरीके से कनेक्ट कर दिया ठीक है तो हमने यहाँ पे कुछ एलिमेंट ले लिया मान लीजिए एक्स वन ले लिया एक्स टू ले लिया एक्स थ्री ले लिया और एक्स फोर ले लिया यहाँ पर कुछ एलिमेंट हैं वाई वन है वाई टू है वाई थ्री है वाई फोर है वाई फाइव इस तरीके से तो बच्चा यहाँ पे हम क्या देख रहे हैं हमने क्या कहा कि जिससे मान लीजिए एक्स वन जो कनेक्ट है मान लीजिए हमने वाई टू से कनेक्ट कर दिया एक्स वन को जो हमारा एक्स टू है एक्स टू हमारा कनेक्ट हो गया वाई थ्री से कनेक्ट हो गया जो हमारा एक्स थ्री है एक्स थ्री भी किससे कनेक्ट हो गया वाई टू से कनेक्ट हो गया और जो हमारा एक्स फोर है एक्स फोर किससे कनेक्ट हो गया एक्स फोर हमारा कनेक्ट हो गया वाई वन से कनेक्ट हो गया तो बच्चे देखो यहाँ पर क्या पहले क्या होता था जो ऑन टू की बात करते थे तो हमारे सेट बी के लिए एक इमेज या एक से ज़्यादा इमेज हमको मिल जानी चाहिए किसमें ए में क्या मन, मिलना चाहिए हमको सेट बी के लिए जो प्री इमेज है एक या एक से ज़्यादा मिलनी चाहिए किसमें ए में लेकिन इन टू के लिए क्या होता है हमको मिलनी चाहिए वन और मोर देन वन वन और मोर देन वन इमेज ऑफ इमेज ऑफ एलिमेंट्स वन और मोर देन वन इमेज ऑफ एलिमेंट्स हम देखो यहां की, की, की भी इमेज एक है एक्स एक 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 की की थ्री, एक थ्री की वाई वन है और एक्स फोर की भी क्या है हमारे पास एक्स फोर की हमको सेम है ठीक है और तो हमको हमने क्या बताया कि जब हमको वन और मोर देन या तो हमको वन इमेज मिले या तो मोर देन वन इमेज मिले किसकी सेटे में ऊपर जो एलिमेंट हैं उनकी तो उसे हम लोग क्या बोलेंगे उसको हम लोग बोलेंगे इन टू फंक्शन चलिए हम लोग नेक्स्ट देखते हैं नेक्स्ट हमारे पास क्या है जस्ट अ सेकेंड मी शो यू चलिए एक और हमारे पास है ये लास्ट है ये क्या है वन वन एंड ऑन टू फंक्शन इसको हम लोग बोलते हैं बाइजेक्टिव भी बोलते हैं तो बहुत ईजी है बाइजेक्टिव क्या होता है बच्चे इसको समझेंगे ध्यान से अगर कोई भी फंक्शन बात सुनना अगर कोई भी फंक्शन जो हमारे पास है उसमें क्या है दो सेट हैं ए और बी तो क्या क्या मैंने आप फंक्शन है फ्रॉम ए ए को हम लोग फर्स्ट को डोमेन बोलते हैं सेकेंड को रेंज बोलते हैं द डोमेन टू बी द रेंज इज बोथ वन टू वन एंड ऑन टू वेन नो एलिमेंट्स ऑफ बी द इमेज ऑफ मोर देन वन एलिमेंट इन एंड ऑल एलिमेंट्स इन बी आर यूज देखो इसको सम, इसका मतलब समझते है क्या है देखो बच्चे ये एक हमारे पास ये जो सेट है इसको हमने सेट ए बोल दिया और बच्चे ये जो था ये सेट बी है ठीक है तो यहाँ पर इन दोनों को हमने कनेक्ट कर दिया इस तरीके से ये दोनों कनेक्ट हो गए तो ये यह हमने यहाँ पे एफ बोल दिया एफ इट फॉर फंक्शन ठीक है तो सपोज करिए यहाँ पर हमने वैल्यू ली है ए बी सी डी और हमने वैल्यू ली वन टू थ्री और फोर ये चार वैल्यू ली है हम करते हैं क्या देखना ध्यान समझना ए हमने कनेक्ट कर दिया टू से बी हमने कनेक्ट कर दिया वन से सी हमने कनेक्ट कर दिया फोर से डी हमने कनेक्ट कर दिया थ्री से तो बच्चे समझो यहाँ पर क्या हो रहा है वन वन की कंडीशन हो देखो सेटिसफाइड हो रही है पहले वन वन की बात करते वन वन की कंडीशन क्या होती थी बच्चे वन वन की कंडीशन ये थी कि सेट ए के हर एलिमेंट के लिए हमें एक सिंगल इमेज मिलनी चाहिए सेट बी में कनेक्ट ये कंडीशन सेटिसफाइड हो रही है ऑन टू की कंडीशन क्या थी बच्चे आन की जो कंडीशन थी मैंने भी बताया था तुमको कि सेट बी में बात सुनना सेट बी के हर एलिमेंट की हमको क्या मिलनी चाहिए प्री इमेज होनी चाहिए ए में एटलीस्ट या तो वन हो या वन से ज्यादा हो तो देखना वन वन भी सेटिस्फाइड हो गया और वन टू भी सेटिस्फाइड हो गए तो इसका मतलब बाइजेक्टिव का मतलब क्या होता है बाई मतलब होता है दो बाई का मतलब क्या होता है टू तो जहां पर दो कंडीशन एक साथ सेटिस्फाइड होती हैं तो उसे बोलते हैं हम लोग बाईजेक्टिव उसे हम लोग क्या बोलते हैं बच्चों उसे हम लोग बोलते हैं बाइजेक्टिव तो चलिए अब हमारे पास क्या है एक्सरसाइज स्टार्ट होती है ये जो एक्सरसाइज बेटा है ये एक्सरसाइज वन पॉइंट टू है एन सी आर टी की तो चलिए हम लोग अपने क्वेश्चन को सॉल्व करते हैं और हम देखते हैं कि हमारे पास क्वेश्चन क्या गिवन है चलिए स्टार्ट करते हैं तो फर्स्ट क्वेश्चन हमारे पास क्या गिवन है बच्चे सो दैट द फंक्शन इज सच दैट आर टू आर आर मीन्स यहाँ पे रियल नंबर है बेटा आर टू आर डिफाइंड बाई एफ एक्स इज कॉल टू वन अपॉन एक्स इज वन वन एंड ऑन टू ओके वेयर आर द सेट ऑफ ऑल नॉन जीरो रियल नंबर एज आई टोल्ड यू कि आर जो है वो क्या है रियल नंबर है ठीक है बच्चे उसके बाद क्या कह रहे हैं हमसे कि इफ द रिजल्ट इज ट्रू saying से रिजल्ट इज ट्रू आप इसको चेक करिए और बताइए कि इसका जो रिजल्ट है वो क्या ट्रू है उसके बाद क्या कह रहे हैं हमसे ये इफ़ द डोमेन आर इज रिप्लेस बाई एन कह रहे हैं अगर डोमेन को जो आर है हमारे पास उसको नेचुरल नंबर से रियल नंबर को अगर नेचुरल नंबर से रिप्लेस कर दिया जाए देन विद कोडोमेन बींग सेम एज आर तो कह रहे हैं कि क्या जो इसका कोडोमेन होगा क्या रियल नंबर ही रहेगा कि चेंज हो जाएगा तो चलिए इस क्वेश्चन को हम लोग सॉल्व करते हैं देखते हैं कैसे सॉल्व होगा ये क्वेश्चन बहुत ईजी क्वेश्चन है तो लेट्स स्टार्ट द क्वेश्चन सबसे पहले अपनी कंडीशन हम लिख लेते हैं यहाँ पे जो हमारे पास कंडीशन गिवन है, तो, है, हमारे है तो हमारे पास कंडीशन क्या गिवन है बच्चे कंडीशन हमारे पास गिवन है एफ एक्स इजक्ल टू वन अपॉन एक्स हमारे पास फंक्शन गिवन है तो आई एम गोइंग टू राइट इट आई हैल टू वन अपॉन एक्स इससे जो फंक्शन फंक्शन हमारा था ठीक है अब हम क्या करते हैं वन वन के लिए देखो क्या होता है वन 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 की कंडीशन क्या होती है वन वन के लिए देखते हैं वन वन की कंडीशन बच्चे क्या होती है कि हर वैल्यू के लिए हमारे पास हम क्या करते हैं सिंगल वैल्यू के लिए हमको सिंगल प्री इमेज के लिए सिंगल इमेज मिलनी चाहिए तो देखना ध्यान से अगर हम यहाँ पे वाई पुट कर दें यफ वाई तो हमें क्या मिल जाएगा वन अपॉन वाई मिल जाएगा अगर हम एफ जेड पुट कर दें तो हमें क्या मिलेगा वन पॉइंट जेड मिलेगा तो आप देख रहे हैं कि हर सिंगल एलिमेंट के लिए तुमको सिंगल इमेज मिल रहा है तो हम इसको क्या बोलेंगे हम इसको बोल सकते हैं एफ़ एक्स इक्वल टू एफ वाई टू ने क्या बोल दिया एफ वाई बोल दिया यहाँ से हमारे पास क्या आ गया वन पॉइंट एक्स इजक्ल टू वन ये हो गया एक्स इजल टू वाई तो देखा आपने क्या हुआ कि हमें सिंगल इमेज मिल रही तो इसका मतलब क्या हो गया है कि हमारा जो फंक्शन है वन वन है ठीक है कह रहे थे इज वन वन एंड ऑन टू ऑन टू के लिए देखते हैं सेकंड कंडीशन फॉर ऑन टू ये तो वन वन के लिए थी अब हम लोग बात करेंगे ऑन टू के तो ऑन टू के लिए बच्चे कंडीशन क्या होती है कि e, बी की हर वैल्यू के लिए बच्चे सुनना ध्यान से बी की हर वैल्यू के लिए हमको ए में एक वैल्यू मिलनी चाहिए एक भी मिल सकती है और एक से ज़्यादा भी मिल सकती है ठीक है तो इसके लिए क्या करते हैं हम लोग हम लोग इसके लिए क्या करते हैं इनवर्स फाइंड कर लेते हैं कैसे फाइंड करते हैं लेट्स टेल यू देखिए एफ एक्स इज टू हमारे पास क्या था वन फोन एक्स था हम एफ एक्स को वाई लेट कर लेते हैं वाई इजक्ल टू वन अपॉन एक्स हो गया टू एक्स इज्क्ल टू के आ गया हमारे पास वन अपॉन वाई आया बात समझे इतना कि नहीं समझे आप लोग तो ये जो वन पॉन वाई आ गया हमने इसको सेकेंड फंक्शन लेट कर लिया जी एक्स हो गया तो जरा हम एफ एक्स इज्क्ल टू जी एक्स करेंगे हमने क्या कर दिया एफ एक्स इजक्ल टू जी एक्स जब हमने एफ़ेक्स इजक्ल टू जी एक्स किया बच्चों यहाँ पर तो हमें क्या मिलता है यहाँ पर हेलो बच्चों बच्चों अब हम लोग क्वेश्चन नंबर टू से सॉल्व करते हैं ठीक है चलिए देखते हैं कैसे सॉल्व करना है तो क्वेश्चन नंबर टू में क्या गिवन है टू का फर्स्ट पार्ट हम लोग पहले देखते हैं टू so, का जो फर्स्ट पार्ट गिवन है बच्चे फर्स्ट पार्ट यहाँ पे हमको करना क्या फर्स्ट पार्ट में यहाँ पे गिवन है बच्चे इज चेक द इंजेक्टिविटी एंड सजेक्टिविटी ऑफ द फॉलोइंग फंक्शन इसका मतलब क्या है बच्चे हमको चेक करना पड़ेगा वन वन फंक्शन और ऑन टू फंक्शन के लिए चेक करना पड़ेगा तो फर्स्ट पार्ट हमको गिवन है नेचुरल नंबर टू नेचुरल नंबर यफ नेचुरल नंबर टू नेचुरल नंबर तो हम क्या करते हैं हमने लेट कर लिया ये हमारे पास ए है और ये हमारे पास क्या है ये हमारे पास बी है ठीक है और ए और बी दोनों को हम कनेक्ट कर देते हैं इस तरीके से हमने दोनों को कनेक्ट कर दिया अब एक फंक्शन के थ्रू ठीक है हम इसको मैपिंग से सॉल्व करने बच्चों तो देखिए ये हमारे पास एक आ गया ए और दूसरा आ गया बी कह कह रहे हैं नेचुरल नंबर की बात थोड़ी तो नेचुरल नंबर के लिए अगर हम कुछ एग्जाम्पल्स ले लेते ले हैं ले ले कुछ नंबर ले लेते ले हैं ले जैसे वन ले लिया टू ले लिया थ्री ले लिया फोर ले लिया फ़ाइव ले लिया सिक्स ले लिया इस तरीके से हमने कुछ नंबर्स ले लिए और अब अगर हम देखें यहाँ पर एक चीज़ देखें नोटिस करें कि जब हमने इतने से ढेर सारे नंबर ले लिए तो हो क्या रहा है बच्चों समझेगा मेरी बात को हम क्या कह रहे हैं आपसे जो हमने इतने ढेर सारे नंबर ले लिए हैं यहाँ पर तो आप देखेंगे एक चीज़ यहाँ पे नोटिस करेंगे तो बी भी, भी जो 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 बी सट है ओ बी का सर नेच नंबर का सेट है तो यहाँ पर भी कुछ नंबर ले लेते ले ले हैं जैसे सपोज वन टू थ्री फोर फाइव सिक्स सेवन एट नाइन टेन इस तरीके से हमने नंबर ले लिए अब देखो बच्चे क्या कह रहा है कि एफ एक्स इक्वल टू एक्स स्क्वायर एफ एक्स एक्वल टू एक्स स्क्वायर ये हमारे पास एफ एक्स इक्वल टू गवन है एक्स स्क्र तो बेटा देखो अगर हम वन को कनेक्ट करेंगे तो वन किससे कनेक्ट होगा वन का स्क्वायर कितना होता है वन का स्क्वायर वन होता है तो वन वन से कनेक्ट हो गया टू टू किससे कनेक्ट हो गया टू फोर से कनेक्ट हो गया थ्री किससे कनेक्ट हो गया थ्री नाइन से कनेक्ट हो गया इस तरीके से ढेर सारे हमारे नंबर जो होंगे वो जैसे टेन होगा तो फिर इलेवन होगा ट्वेल्व होगा इस तरीके से एलेवन होगा डैश 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 ये नंबर सारे सारे नंबर कनेक्ट हो जाएंगे कुछ इस तरीके से और इस तरीके से हमारे नंबर जो है कनेक्ट हो जाएंगे इस तरीके आकर के कुछ नंबर्स कनेक्ट हो जाएंगे जैसे फोर जो है कनेक्ट हो जाएगा सिक्सटीन से जो फाइव है फाइव कनेक्ट हो जाएगा तो किससे तुम्हारा ट्वेंटी फाइव से सिक्स किससे कनेक्ट हो जाएगा थर्टी सिक्स से कनेक्ट हो जाएगा अब बच्चे बात आती है इंजेक्टिविटी की तो वन वन की वन वन के लिए देखो क्या होता है हम देखते हैं सेट ए का जो हर एलिमेंट है सेट बी के डिस्टेंट एलिमेंट से कनेक्ट होना चाहिए तो आप देख रहे हैं यहाँ पे सारे के सारे एलिमेंट कनेक्ट हैं कैसे अगर हम बात करें एफ की एफ की वैल्यू वन है एफ की वैल्यू बात करें तो एफ की वैल्यू फोर है यफ थ्री की वैल्यू की बात करो तो एफ थ्री कितना है नाइन है ये फोर की बात करो तो एफ फोर कितना है सिक्सटीन है ये फाइव कितना है ट्वेंटी फाइव तो आप देख पा रहे हैं कि हर वैल्यू एफ एक्ट्स के लिए एक्स की हर वैल्यू के लिए हमको वाई सेट बी में एक वैल्यू फिक्स वैल्यू मिल रही है और डिफरेंट वैल्यू मिल रही तो ये क्या बोल दोगे यस इट इज इंजेक्टिव यस इट इज इंजेक्टिव इट इज इंजेक्टिव ये तुम्हारा इंजेक्टिव हो गया अब हम सेकेंड पार्ट की बात करते हैं इसी का जो सेकंड पार्ट है ऑन टू के लिए बच्चे क्या देखो जरा एक चीज़ समझो ध्यान से जो हमारे पास क्या गिवन है बच्चे हमारे पास गिवन है फंक्शन एफ एक्स इजल टू एक्स स्क्वायर क्या बच्चे एक चाहता क्या एक्स स्क्वायर कभी टू हो सकता है क्या एक्स स्क्वायर कभी टू हो सकता है क्या कभी किसी नंबर का स्क्वायर टू होगा क्या कभी किसी नंबर का स्क्वायर थ्री होगा ये देखो यहाँ पे टू गिवन या थ्री गिवन है ये स्क्वायर इसका कभी नहीं पॉसिबल है और तो इसका अगर स्क्वायर नहीं पॉसिबल है बच्चों तो क्या बोलोगे इट इज नॉट सर्जेक्टिव नॉट सरजेक्टिव तो ये क्या है फंक्शन हमारा सरजेक्टिव नहीं है ठीक है तो हम लोगों ने फर्स्ट पार्ट सॉल्व कर लिया इसका सिमिलरली हम लोग पार्ट सॉल्व करेंगे सेकेंड चलिए सेकेंड पार्ट देखते हैं क्या है सेकेंड पार्ट करते हैं सॉल्व इसी क्वेश्चन का बेस्ट अ सेकेंड चलिए हम लोग देखते हैं सेकेंड पार्ट थोड़ा इरेज कर लेते हैं इसको फिर देखते हैं सेकेंड पार्ट अपना हाँ तो बच्चों ये हमारे पास सेकंड पार्ट आ गया सेकंड पार्ट में देखो क्या गिवन है हमारे पास सेकंड पार्ट में गिवन है इफ इज सच दैट जेड टू जेड इफ इज सच दैट जेड टू जेड इफ इज सच दैट जेड टू जेड हमारे अब रिलेशन किससे गिवन है जेट टू जेड गिवन है जेट टू जेड का मतलब होता है बच्चे एक सेट ए है एक सेट ये है बी हम इसको भी मैपिंग से सही सॉल्व करेंगे तो हम इन दोनों को कनेक्ट कर लिया फंक्शन के थ्रू इस तरीके से कनेक्ट कर लिया बच्चे देखो जेट टू जेट कह रहा है तो जेट का मतलब होता है इंटीजर इंटीजर्स कैन भी पॉजिटिव इंटीजर्स कैन भी निगेटिव ठीक है तो हमारे पास फंक्शन क्या गिवन है हमको गिवन है कि एफ एक्स इज्कवल टू एक्स स्क्वायर तो जरा सपोज कर यहाँ पे कुछ हम इंटीजर्स ले लेते ले हैं जैसे देखना माइनस वन ले लिया हमने या इस तरीके से ले लेते हैं माइनस थ्री ले लेते हैं माइनस टू ले लेते हैं माइनस वन ले लेते हैं और हम ले लेते हैं वन ले लेते हैं टू ले लेते हैं थ्री ले लेते हैं इस तरीके से नंबर हम ले लिए तो यहाँ पर देखो हाँ यहाँ पर हमारे पास इंटीजर कौन कौन से होंगे यहाँ पर भी इस तरीके से इंटीजर होंगे माइनस थ्री होगा माइनस टू होगा माइनस वन होगा जीरो होगा वन होगा टू होगा थ्री होगा फोर होगा फाइव होगा सिक्स होगा सेवन होगा एट होगा नाइन होगा तो देखो एफ एक्स इक्वल टू एक्स स्क्वायर अगर हम एफ माइनस थ्री की बात करें एफ माइनस थ्री की वैल्यू क्या होगी नाइन होगी देखो ये माइनस थ्री किससे कनेक्ट होगा जो माइनस थ्री है वो कनेक्ट होगा नाइन से इस तरीके से और अगर हम बात करें यफ माइनस टू की वैल्यू की एफ माइनस टू की वैल्यू क्या है एफ माइनस टू किससे कनेक्ट होगा एफ माइनस टू अगर हम बात करें माइनस टू का स्क्वायर हो जाएगा फोर हो गया तो जब फोर हो गया तो माइनस टू किससे कनेक्ट हो रहा है माइनस टू कनेक्ट हो रहा है फोर से अब माइनस वन की बात करें यफ़ माइनस वन यफ़ माइनस वन का स्क्वायर क्या होता है वन होता है तो वन ये किससे कनेक्ट हो गया इससे वन से कनेक्ट हो गया तो बच्चों यहाँ सेकेंड पार्ट में हम लोग क्या देख रहे हैं हम देख रहे हैं कि और यहाँ पर बात करेंगे अगर हम बात करें यफ वन की वैल्यू बात करें तो यफ़ वन भी वन से कनेक्ट होगा देखो और वन वन की कंडीशन क्या होती है देखो हमारे पास क्या हो रहा है कि यफ़ माइनस वन जो है वो यफ वन के इक्वल आ रहा है यफ माइनस टू जो है वो यफ टू के इक्वल आ रहा है लेकिन बच्चे कंडीशन क्या होती है कि वन वन के लिए हमें हर एलिमेंट हमें सेट ए के हर एलिमेंट के लिए सेट बी में डिफरेंट वैल्यू मिलनी चाहिए लेकिन यहाँ पर क्या हो रहा है माइनस वन की भी वैल्यू सेम है माइन वन की भी वैल्यू सेम है माइनस थ्री की वैल्यू भी सेम है और प्लस थ्री की वैल्यू सेम है तो इसको क्या बोल दोगे दिस इज नॉट वन वन इज नॉट द वन वन अगर वन वन नहीं तो इसका मतलब क्या है नो इंजेक्टिव नो इंजेक्टिव और देखो यहाँ चीज एक चीज़ बोल सकते हैं कि एफ एक्स इज्क्वल टू किया था एक्स स्क्वायर था और हमारे पास जैसे माइनस टू दे रखा तो अभी भी किसी के नंबर का एक्स स्क्वायर माइनस एक टू नहीं हो सकता है एक्स स्क्वायर इज्कल टू माइनस वन ये भी नहीं हो सकता इस तो इसका मतलब नॉट सर्जेक्टिव ये जो हमारा है ये सर्जेक्टिव भी नहीं होगा ठीक है तो हम लोगों ने सेकंड पार्ट भी सॉल्व कर लिया अब हम लोग बात करते हैं इसी के थर्ड पार्ट की तो थर्ड पार्ट देखते हैं कैसे सॉल्व होगा तो लेट्स सी हाउ टू सॉल्व द सेकेंड थर्ड पार्ट जस्ट अ सेकेंड इट विल टेक सम टाइम आई एम गोइंग टू इरेज इट विल टेक सम टाइम लेट्स चलिए तो अब हम लोग बात करते हैं क्वेश्चन question... हाँ चिल्ड्रन तो अब हम लोग बात करेंगे क्वेश्चन नंबर थर्ड की थर्ड पार्ट क्वेश्चन नंबर टू का ये क्या गिवन है यफ जो डिफाइन है रियल नंबर से रियल नंबर में डिफाइन है चलिए कोई दिक्कत नहीं है और कह रहे हैं एफ एक्स इज टू एक्स स्क्वायर चलिए ये हमारे पास ये है ये बी है और ये दोनों कनेक्ट हो गए इस तरीके से हमने इसको कनेक्ट कर दिया यहाँ पे एफ बोल दिया तो रियल नंबर की बात करें रियल नंबर में हमारे सब आते जाते हैं इंटीजर्स भी आते हैं फ्रैक्शन भी आते हैं सब कुछ आता है तो ज़रा देखते हैं यहाँ पे कुछ नंबर लिख लेते हैं हम लेट्स टेक सम नंबर्स लाइक माइनस थ्री माइनस टू माइनस वन जीरो वन टू थ्री लाइक दिस एंड हियर आई कैन ऑल्सो टेक सम नंबर्स दे आर टॉकिंग अबाउट द रियल नंबर सो आई कैन टेक माइनस थ्री माइनस टू माइनस वन जीरो वन टू थ्री फोर फाइव सिक्स सेवन एट नाइन टेन लाइक दैट तो देखो कनेक्ट करते हैं एफ एक्स इचक्ल टू क्या है एफ एक्स इचुअल टू गि है एक्स स्क्वायर तो बच्चे देखो माइनस थ्री का स्क्वायर क्या होगा माइनस थ्री का स्क्वायर होगा तुम्हारा नाइन माइनस टू का स्क्वायर क्या होगा माइनस टू का स्क्वायर होगा फोर माइनस वन का स्क्वायर क्या होगा माइनस वन का स्क्वायर होगा वन जीरो का स्क्वायर जीरो होगा वन का स्क्वायर क्या होगा वन का स्क्वायर भी वन होगा और टू का स्क्वायर क्या होगा टू का स्क्वायर फोर होगा तो आप देख रहे हैं कि यहाँ पर क्या आ रहा है देखो यफ वन की वैल्यू भी वन है और ये किसके इक्वल यफ माइनस वन के भी इक्वल है दो वैल्यू सेम हो रही हैं तो इसका मतलब जब दो वैल्यू सेम हो जाती हैं तो इसका मतलब क्या होता है बच्चे इट इज़ नॉट वन वन नॉट वन वन ये वन वन नहीं है नॉट वन वन सेकेंड पार्ट की बात करते हैं सर्जेक्टिव के लिए तो सर्जेक्टिव के लिए वही सेम कंडीशन है कि एफ एक एक्स इज कल टू अगर एक्स स्क्वायर है तो एक्स स्क्वायर कभी भी माइनस थ्री नहीं हो सकता है एक्स स्क्वायर कभी भी तुम्हारा थ्री नहीं हो सकता इस तरीके से तो ये क्या हो गया सर्जेक्टिव नो सर्जेक्टिव ये सर्जेक्टिव भी नहीं है दिस इज नॉट द सर्जेक्टिव ये सर्जेक्टिव भी नहीं है ये हमने पार्ट सॉल्व कर लिया चलिए हम लोग नेक्स्ट पार्ट की बात करते हैं वी आर गोइंग टू सॉल्व द नेक्स्ट पार्ट तो चलिए देखते हैं नेक्स्ट पार्ट कैसे सॉल्व होगा हमारा तो चलिए हम लोग सॉल्व करते हैं पार्ट नंबर फोर पार्ट नंबर फोर क्या कह रहा है कह रहा है ये इज सच दैट नेचुरल नंबर टू नेचुरल नंबर गिवन बाय एफ एक्स इज टू एक्स क्यूब चलिए नेचुरल नंबर हमारे पास जब सेट कैसा है नेचुरल नंबर पे डिफाइन है तो हम इसको इससे कनेक्ट कर देते हैं या हाई लिख देते हैं ये सारे सारे क्वेश्चन हम मैपिंग से सॉल्व कर रहे हैं आपके जो एन सी जो नेट पे अवेलेबल है उसमें सब सारे सारे क्वेश्चन मैपिंग से नहीं किए गए हैं कोई भी क्वेश्चन ठीक है चलिए यहाँ पे नेचुरल नंबर लेते हैं वन ले लिया टू ले लिया थ्री ले लिया फोर ले लिया फ़ाइव ले लिया इस तरीके से और इधर भी हम कुछ नंबर्स ले लेते हैं लाइक वन टू है थ्री है फोर है फाइव है सिक्स है सेवन है एट है नाइन है टेन है इलेवन टवेल्व इस तरीके से हमने यहाँ पे जरा एक सेकेंड देखना बच्चों हमने यहाँ पे कुछ नंबर कम लेते हैं नंबर हमने यहाँ पे सिर्फ तीन नंबर ले लिए आई है टेकन ओनली थ्री नंबर्स वन ले लिया टू ले लिया थ्री ले लिया इस तरीके से ये भी नंबर इस तरीके से जा रहे हैं और ये भी नंबर इस तरीके से बढ़ेंगे ठीक है तो देखो अगर हम बात करें हमारे पास फंक्शन क्या क्यों एफ एक्स इज्कल टू एक्स क्यूब एक्स क्यूब भी है तो वन का क्यूब क्या होगा वन क्यूब विल बी वन टू क्यूब टू क्यूब विल बी एट थ्री क्यूब थ्री थ्री या नाइन थ्री या ट्वेंटी सेवन इट मीन्स जो हमारे पास थ्री क्यूब होगा बच्चे वो थ्री क्यूब कहीं ना कहीं इस तरीके से यहाँ पे कनेक्ट होगा आ करके यहाँ पे कोई नंबर रहा होगा ट्वेंटी सेवन यहाँ पर नीचे आकर के कनेक्ट हो जाएगा तो आप क्या देख रहे हो कि एफ़ वन की वैल्यू हमारे पास क्या आ रही वन आ रही है एफ़ टू की वैल्यू हमारे पास क्या रही? 4 आ रही है टू टू जाोर टू जाट एट आ रही है और एफ थ्री एफ थ्री की वैल्यू ट्वेंटी सेवन आ रही है तो यू कैन सी वन थिंग दैट फॉर ईच वैल्यू ऑफ एक्स और ईच वैल्यू ऑफ एक्स यू आर गेटिंग द डिफरेंट वैल्यू ऑफ वाई और द वाई वाई मीन्स आवर फंक्शन तो हमको एक ही हर वैल्यू के लिए डिफरेंट वैल्यू ऑफ वाई मिल रही है तो इसका मतलब क्या होगा यस यस इट इज इंजेक्टिव यस इट इज इंजेक्टिव ये इंजेक्टिव हो गया सेकेंड पार्ट करते हैं सर्जेक्टिव के लिए सर्जेक्टिव के लिए कंडीशन वही हो गए बच्चे अगर हमारे पास एफ एक्स इजक्वल टू एक्स क्यूब की बने तो एक्स क्यूब क्या है एक्स क्यूब का कभी भी टू के इक्वल होगा एक्स क्यूब कभी भी टू के इक्वल नहीं हो सकता सिमिलरली अगर हम बात करें एक्स क्यूब एक्सक्यू कभी भी फोर के इक्वल होगा कभी भी किसी भी नंबर का क्यूब जो होता है फोर के इक्वल नहीं हो सकता तो नो नो सर्जेक्टिव ये क्या है सर्जेक्टिव नहीं है नो सर्जेक्टिव दिस इज नॉट द सर्जेक्टिव ठीक है चलिए नेक्स्ट पार्ट की बात करते हैं हम लोग लेट्स सी द नेक्स्ट पार्ट लेट्स सी देखते हैं नेक्स्ट पार्ट ठीक है क्वेश्चन का फाइन जस्ट अड आई विल टेक ऑनली फ्यूस आई विल सॉल इट हाँ चिल्ड्रेन तो जरा देखते हैं इसको सेकंड पार्ट इसी का सॉल्व करते हैं सेकंड पार्ट में देखते हैं क्या कंडीशन गिवन है हमारे पास यस तो चलिए चिल्ड्रेन नेक्स्ट पार्ट देखते हैं नेक्स्ट पार्ट फिफ्थ पार्ट क्या है यहाँ पे गिवन है ये जेड टू जेड जेड मीन्स होता है इंटीजर अगेन जेट टू जेड जेट टू जेड और क्या गिवन है एफ एक्स इज टू एक्स क्यूब तो जरा देखना येफ वन की वैल्यू क्या होगी ये फोन बिकम वन एंड ये माइनस वन बिकम माइनस वन तो आप देख रहे हैं कि ये वन जो है डज नॉट इक्व टू एफ माइनस वन हो रहा है ये दोनों में वैल्यू इक्वल नहीं आ रही है हमको हर डिफरेंट वैल्यू मिल रही है इसका मतलब इट इज इट इज वन वन ये क्या है बेटा ये वन वन होगा ये वन वन होगा ठीक है अब बात करते हैं सेकेंड पार्ट की अगर इसके सर्जेक्टिव के लिए देखते हैं तो सर्जेक्टिव में क्या होता है बच्चे हमने कहा एफ एक्स इजल टू एक्स क्यूब तो बेटा एक्स क्यूब जो अगर हम कह रहे हैं हमने क्या कहा कि एफ एक्स इक्वल टू अगर हम एक्स क्यूब बोल रहे हैं बच्चे यहाँ सुनना मेरी बात को तो तुमको पता है कि एक्स क्यूब जो है किसी भी मान लो फाइव है किसी भी नंबर का क्यूब जो है फाइव के इक्वल नहीं हो सकता इसका मतलब क्या होगा ये नॉट द सर्जेक्टिव नो सर्जेक्टिव नो सरजेक्टिव ये सर्जेक्टिव नहीं होगा ठीक है बच्चे चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं क्वेश्चन नंबर देखते हैं नेक्स्ट हमारे पास जो क्या है गिवन है प्रूव दैट द ग्रेटेस्ट ग्रेटेस्ट इंटीजर फंक्शन इफ इज सच दैट आर टू आर गिवन बाय एफ एक्स इजल टू एक्स इज़ निदर वन व नॉर वन टू वेर एक्स डिनोट्स द ग्रेटेस्ट इंटीजर लेस देन और इक्वल टू एक्स चलिए बहुत ईजी क्वेश्चन है देखते हैं तो हमारा जो फंक्शन डिफाइन है फंक्शन किस पे डिफाइन है फंक्शन इज डिफिंड आर टू आर आर टू आर पे डिफाइंड है और हमारे पास फंक्शन की वैल्यू क्या गिवन है एफ एक्स इचक्ल टू गिवन है ग्रेटेस्ट इंटीजर फंक्शन ठीक है एफ एक्स इक्वल टू एक्स गिवन है तो बच्चे देखो ग्रेटेस्ट इंटीजर फंक्शन में क्या होता है जैसे हम यहाँ पे वैल्यू ले लेते ले हैं कुछ भी ले हमने वैल्यू ले ली वन पॉइंट थ्री तो वैल्यू ऑफ वन पॉइंट थ्री जो होगी बच्चे देखना ध्यान से इसको हम लोग क्या बोलेंगे जो वन पॉइंट थ्री होगा ये इस तरीके से वन पॉइंट थ्री लिख लेंगे और ये जो वैल्यू होगी बच्चे ये वन के इक्वल होगी इसी तरीके से अगर हम ले लें यफ वन पॉइंट सिक्स तो ये भी ग्रेटेस्ट इंटीजर की फंक्शन की डेफिनेशन से वन पॉइंट सिक्स भी किसके इक्वल हो जाएगा वन के इक्वल तो आप देख रहे हो कि यन पॉइंट थ्री जो है बच्चे वो यफ़ वन पॉइंट सिक्स के इक्वल हो रहा है जो हाँ बच्चे तो देखते हैं हम लोग हमने क्या कहा क्या कहा बच्चे कि यफ वन पॉइंट थ्री जो है वो एफ वन पॉइंट सिक्स के इक्वल हो रहा है तो ये दोनों वैल्यू इक्वल हो रहे हैं इसका मतलब इट इज नॉट वन वन इज नॉट वन वन ये वन वन नहीं है ये वन वन नहीं है और अगर हम बात करें ऑन टू के लिए तो ऑन टू के लिए क्या करते हैं देखो हमको पता है, कि टू क्या गिवन है? Given, given तो ये क्या जानते हैं हम लोग ये क्या होगा हमेशा इज ऑलवेज इंटीजर तो हमेशा क्या रहता है ये रहता है इंटीजर ठीक है ये रहता है रहता है। तो उससे क्या होगा बच्चे यहाँ समझना धन से तो यहाँ पर ऐसा कोई भी एलिमेंट एक्स बिलोंग्स टू आर रियल नंबर को बिलोंग नहीं करेगा जो क्या, कैसा हो जो किसको बिलोंग कोई भी ऐसा एलिमेंट नहीं होगा जो एक्स बिलोंग्स टू आर ऐसा कोई भी एलिमेंट नहीं होगा जो क्या आ जाए इंटीजर हो तो यहाँ पे जैसे बोल हमने मान लीजिए एफ एक्स इक्वल टू जीरो पॉइंट सेवन ले लिया तो क्या कर रहा है ये वन ऑन टू नहीं होगा क्यों नहीं ऑन टू होगा क्योंकि यहाँ पर क्या है देर इज नॉट एनी एलिमेंट इन एक्स बिलोंग्स टू आर सच देट एफ एक्स इज्क्ल टू जीरो पॉइंट सेवन तो क्या करेगा ये बेटा ये वन टू ऑन टू भी नहीं होगा एफ एक्स वन टू क्यों नहीं समझ गए होंगे आप लोग यहाँ पे क्या हो रहा है जीरो पॉइंट सेवन जो है ए इट इज नॉट द इंटीजर तो इंटीजर वैल्यू हमको मिल वैल्यू कैसे मिलनी चाहिए हमको वैल्यू मिलनी चाहिए इंटीजर ठीक है नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं हम लोग नेक्स्ट क्वेश्चन क्या मैंने सो दैट सो दैट द फंक्शन एफ आर टू आर जस्ट अ सेकंड है फंक्शन आर टू आर इफिक्स इजक्ल टू मॉड एक्सक्ल टू मॉडक्स तो मॉड एक्स के लिए पीछे देखो अगर हम मान लो एफ वन माइनस वन की बात करें तो माइनस वन का मॉड है ये माइनस वन का मॉड भी प्लस वन होता है अगर एफ वन की बात करोगे तो वन का भी मॉड वन ही होता है हम देख रहे हैं कि यफ माइनस वन जो है बेटा वो तो एफ वन के इक्वल है इसका मतलब ये क्या है नॉट नॉट क्या नॉट नॉट वन वन ये दो वैल्यू एक दूसरे के इक्वल आ रही हैं ठीक है सेकेंड पार्ट की बात करते हैं ऑन टू के लिए ऑन टू के लिए देख लेते हैं तो ऑन टू के लिए बच्चे हम लोग क्या करेंगे यहाँ पे क्वेश्चन नंबर फोर में ऑन टू के लिए देखो कंडीशन क्या होगी बच्चे <coughs> देखते हैं तो जैसे हमने मान लो लेट कर लिया लेट कंसीडर करते हैं करट माइनस टू बिलोंग्स टू आर माइनस टू तो रियल नंबर है माइनस टू रियल नंबर है ना ठीक है अगर माइनस टू रियल नंबर है बच्चे मेरी बात समझना ध्यान से यहाँ पे ठीक है तो यहाँ पे क्या गिवन है हमने कहा कि माइनस टू बिलोंग्स टू आर लेकिन यहाँ पर जो माइनस टू होगा क्या माइनस टू कभी भी किसी का मॉड जो होता है किसी भी नंबर का मॉड जैसे मान लीजिए हमने कहा हाँ एफ एक्स इज टू मॉड एक्स है ना और हमने कहा एफ माइनस

आप उसको देखिएगा आप लोग ठीक है इफ़ इज सच देट आर टू आर गिवन बाय एफ एक्स इजक्ल टू वन एफ एक्स इजक्ल टू वन गिवन है जब x की वैल्यू ग्रेटर है जीरो से एफ एक्स इजक्ल टू जीरो गिवन है जब x की वैल्यू जीरो के इक्वल है और एफ एक्स इजक्वल टू माइनस वन गिवन है जब x लेस देन जीरो सी अगर हम बात करें एफ टू की वैल्यू एफ टू की वैल्यू क्या होगी एफ टू की वैल्यू कितनी होगी वन होगी अगर हम बात करें एफ थ्री की एफ थ्री की वैल्यू भी क्या होगी वन होगी अगर बात करें एफ की एफ की भी वैल्यू क्या होगी वन होगी तो आप देख रहे हैं कि एफ जो इक्वल है एफ के इक्वल है एफ टू के इक्वल एफ थ्री के इक्वल है इसका मतलब बहुत ढेर सारी वैल्यू क्या हो रही है दूसरे के इक्वल हो रही है तो इसका मतलब one, one. ये नॉट वन वन ये वन वन नहीं है ठीक है सेकेंड पार्ट की बात करें ऑन टू के लिए ऑन टू के लिए कंडीशन क्या है बच्चे ध्यान समझना मेरी बात को तो यहाँ पे अगर हम बात करें ऑन टू की ऑन टू की कंडीशन क्या है बच्चे देखो अगर हम बात करते हैं यहाँ पे देखना ध्यान से मेरी बात समझना मैं क्या कहना चाहता हूँ बच्चे की एक चीज़ बताओ जरा ध्यान से जिससे मान लो हमारे पास ये रियल नंबर पर डिफाइन है अगर रियल नंबर पे डिफाइन है तो एक चीज़ समझो कभी भी मान लो जैसे हमने एफ़ माइनस थ्री ले लिया यफ माइनस थ्री की वैल्यू क्या एफ माइनस थ्री की वैल्यू वन होगी ना अगर हम एफ माइनस टू की बात करें एफ़ माइनस टू की वैल्यू भी वन होगी तो आप एक चीज़ देख लो यहाँ पे सॉरी एफ माइनस टू एफ भी माइनस एफ माइनस थ्री भी माइनस वन होगा एफ़ माइनस टू भी माइनस वन होगा तो बच्चों यहाँ पे देख लो तुम वो तो क्या कभी तुमको माइनस थ्री मिलेगा क्या कभी भी तुमको एफ़क्स इज्कवल टू माइनस थ्री मिलेगा नहीं मिलेगा ना तुमको माइनस टू मिलेगा तो इसका मतलब ये क्या होगा नॉट ऑन टू क्योंकि हमारे पास जब अगर इसकी बात करते हैं रियल नंबर की तो रियल नंबर लेट मी टेल यू इस तरीके से हमारे पास मान लो सेट है एक एक सेट ये है एक सेट ये है यहाँ मान लो हमारे पास रियल नंबर की बात कर रहे हैं माइनस वन ले लिया है ज़ीरो ले लिया है और वन ले लिया है इस तरीके से यहाँ पे हमारे पास मान लो कौन कौन से नंबर है यहाँ पे हमने ले लिया है माइनस वन माइनस टू जीरो वन है टू है थ्री है इस तरीके से तो माइनस वन इज कनेक्टेड टू माइनस वन जीरो इज कनेक्टेड टू जीरो बट वन इज कनेक्टेड टू अगेन वन थ्री इज कनेक्टेड टू अगेन वन और इज कनेक्टेड टू अगेन वन इस तरीके से तो देखो ये वैल्यू जो है किसी से कनेक्ट नहीं हो रही ये वैल्यू किसी से कनेक्ट नहीं हो रही ये वाली वैल्यू किसी से नहीं कनेक्ट हो रही इसका मतलब क्या हो रहा है बच्चे ये कैसा होगा नॉट ऑन टू चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं क्वेश्चन नंबर सिक्स देखते हैं क्वेश्चन नंबर सिक्स में क्या क्यों बच्चे एज कल टू वन टू थ्री वन कॉमा टू कामा थ्री इस तरीके से और बच्चे बीच कल टू क्या गिवन है बीच कल टू गिवन है फोर कॉमा फाइव कामा सिक्स कॉमा सेवन इस तरीके से और फंक्शन क्या गिवन है फंक्शन इज कल टू वन कामा फोर है टू कामा फाइव है और थ्री कामा सिक्स है कह रहे हैं कि बी ए फंक्शन फ्रॉम ए टू बी सो दैट एफ इज वन वेरी जी देखो तो बच्चे एफ वन की वैल्यू क्या आ रहा है एफ वन की वैल्यू फोर है एफ टू की वैल्यू क्या है फाइव है एफ थ्री की वैल्यू क्या है सिक्स है तो आप देख रहे हैं हर वैल्यू के लिए पर डिफरेंट वैल्यूज ऑफ एक्स यू आर गेटिंग द डिफरेंट वैल्यूज ऑफ़ फाइव तो ये क्या बोलोगे बोल दोज वन वन क्योंकि हमें डिस्टिनिकट वैल्यू मिल रही है सेट बी में यस इट इज़ वन 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 इसको मैपिंग से भी सॉल्व कर सकते हो इस तरीके से सेट ए हो गया इस तरीके से सेट बी हो गया यहाँ पे वन टू थ्री है यहाँ पे क्या है फोर है फाइव है सिक्स है सेवन है तो कैसे बोलोगे वन इज कनेक्टेड टू फोर टू इज कनेक्टेड टू फाइव थ्री इज कनेक्टेड टू सिक्स ऑल द वैल्यूज ऑफ ए दिस इज द ए दिस इज द ए दिस इज द दी एन दिस कनेक्टेड बाय अ फंक्शन तो ऑल द वैल्यूज ऑफ ए इज कनेक्टेड टू बी वाट यू कैन से इफ ऑल द वैल्यूज ऑफ ए इज कनेक्टेड टू बी देन यू कैन से दिस इज द वन फंक्शन ये फंक्शन कैसा हो जाएगा बेटा दिस इज फंक्शन चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं इन ईच ऑफ द फॉलोइंग केसेस ये डाई नहीं लिखा बेटा यहाँ पे डाई नहीं है ये, ये क्या है दा है यहाँ पे ये टी एच ई दा एम स्प्रिट छपा है बेटा यहाँ पे इन ईच ऑफ द फॉलोइंग केसेस स्टेट विदर द फंक्शन इज वन वन ऑन टू और बाइजेक्टि बाइजेक्टिव के लिए बच्चे क्या होगा हम लोग चेक कर लेंगे वन वन और ऑन टू अगर कोई फंक्शन वन वन और ऑन टू होता है तो इसका मतलब क्या होता है बच्चे वो बाइजेक्टिव भी होता है लेट सी तो चलिए फर्स्ट पार्ट सॉल्व करते हैं क्या गिवन है हमारे पास फंक्शन जो हमारा डिफाइन है वो रियल नंबर से रियल नंबर में डिफाइन है चलिए ठीक है तो एफ एक्स इज्कअल टू क्या है थ्री माइनस फोर एक्स है लेट्स सी एक हम वैल्यू पुट करते हैं मान लो वन ले लेते हैं वन लेंगे तो क्या होगा थ्री माइनस फोर इंटू वन इट बिकम थ्री माइनस फोर इट बिकम माइनस वन एंड सपोज करिए माइनस वन लेते हैं तो क्या आएगा थ्री इंटू माइनस फोर इंटू माइनस वन इट बिकम सेवन वाट यू कैन से एफ वन टू आ गया तो पास माइनस वन और एफ माइनस वन टू सेवन आ गया तो so, यहाँ पे देखोगे डिफरेंट वैल्यू ऑफ़ एक्स अगर हम जितनी एक्स की वैल्यू पुट करते जाएंगे हमको डिफरेंट वैल्यू ऑफ वाई मिलती जाएंगी मतलब हम जो भी एक्स की वैल्यू लेते जाएंगे सेटे से हमको सेट बी में डिफरेंट वैल्यू मिलती जाएंगी तो हम क्या बोल सकते हैं यस इट इज वन वन यस इट इज वन वन यस इट इज वन वन और इसी के अगर सेकेंड पार्ट की बात की जाए बाइजेक्ट की बात की जाए सॉरी हम बात करते हैं किसकी ऑन टू की ऑन टू के लिए देखो कंडीशन बच्चे क्या है ऑन टू के लिए हम लोग क्या करते हैं बच्चे ध्यान से देखना हम क्या करते हैं इसको जो भी हमारा फंक्शन होता है देखो एफ एक्स इज्क्ल टू क्या था थ्री माइनस फोर एक्स था इसको हम वाई के इक्वल एट कर लेते हैं वाई इज्क्वल टू थ्री माइनस फोर एक्स और पूरे फंक्शन को हम वाई में कन्वर्ट कर लेंगे तो यहाँ से एक्स की वैल्यू फाइंड करेंगे तो हो जाएगा वाई माइनस थ्री इज्क्वल टू माइनस फोर एक्स तो एक्स इजक्ल टू आ जाएगा थ्री माइनस वाई बाई फोर दिस इज द वैल्यू ऑफ एक्स थ्री माइनस वाई बाई फोर आ गया अगर फंक्शन ऑफ थ्री माइनस वाई बाई फोर की वैल्यू फाइंड की जाए तो फंक्शन की बात करें एक्स के प्लेस पर पुट कर देते हैं तो देखना थ्री माइनस फोर इन टू थ्री माइनस वाई बाई फोर हाँ फोर एफ फोर कैंसिल थ्री माइनस थ्री एंड प्लस वाई थ्री एंड थ्री कैंसिल वट यू गॉट वाई वाट यू गॉट वाई तो आप क्या बोल सकते हो इफ इज्सो इज ऑन टू भी हो गया ठीक है तो इसी तरीके से तुम इसका सेकंड पार्ट भी सॉल्व कर सकते हो ट्राई करना सेकंड पार्ट अगर नहीं सॉल्व कर पाना तुमसे कमेंट करना हम बताएंगे तुमको ठीक है चलिए क्वेश्चन नंबर एट देखते हैं क्या गिवन है लेट ए एंड बी बी सेट्स सो देट ये टू बी एफ इज ए टू बी ओके कोई बात नहीं ये टू बी ए क्रॉस बी गिव्स बी क्रॉस ए ओके फंक्शन ऑफ ए कॉमा बी इक्वल टू बी कॉमा ए हमको दिखाना है कि इट इज वेरी इजी देखते हैं कैसे सॉल्व हो गई कुछ तो बाईजेक्टिव के लिए हम लोग क्या करेंगे बच्चे यहाँ काम करते हैं देखो हम लेट कर लेते हैं कुछ फंक्शंस को लेट कर लेते हैं लेट लेट हमने क्या कर लिया हमने लेट कर लिया कि ए वन बी ए वन बी वन ले लिया और कॉमा ए टू ए वन बी वन और ए टू बी टू ले लिया तो ए वन बी वन बिलोंग्स टू ए क्रॉस बी को बिलोंग करते हैं ध्यान समझना बच्चे तो हम यहाँ पे क्या बोल सकते हैं कि यफ ए जो होगा इसके इक्वल होगा फंक्शन ऑफ ए टू बी फंक्शन ऑफ ए टू बी टू ठीक तो जरा यहाँ से देखना ही चीज़ हम सकते हैं वन कामा ए वन बी वन कामा ए वन ओ किसकेक्वल हो जाएगा वो इक्वल हो जाएगा बी टू कामा ए टू के इक्वल हो जाएगा ठीक है ना तो अब यहाँ पे क्या बोल सकते हो तो मैं कंपेरिजन अगर कर देंगे तो बी वन इजक्ल टू बी टू हो गया और ए वन इजक्ल टू ए टू हो गया तो सिमिलरली हम एक चीज बोल सकते हैं यहाँ पे ए वन कामा ए वन कामा बी वन इजक्ल टू ये क्या हो गया ए टू कामा बी टू ये चीज़ देख रहे हैं आप लोग ठीक है तो इसका मतलब क्या हो गया एफ इज वन वन ये फीज वन वन क्योंकि हमें क्यों क्या मिल रहा है हमें मिल रहा है और डिफरेंट वैल्यू ऑफ एक्स यू आर गेटिंग द डिफरेंट वैल्यू ऑफ वाई वाई का मतलब जानते हो क्या हम जैसे बोलते हैं डिफरेंट वैल्यू ऑफ वाई तो एफ एक्स जो होता है फंक्शन ऑफ एक्स वो वाई की इक्वली होता है इसीलिए हम बोलते हैं इस चीज़ के लिए ठीक है तो अब हम बात करते हैं किसकी ऑन टू की बात कर रहे थे तो जैसे लेट हम एक एग्जाम्पल लेते हैं लेट बी कॉमा ए बिलोंग्स टू बी क्रॉस ए बी कॉमा ए बी क्रॉस ए को बिलोंग कर रहा है तो एक चीज बताओ देन एक बात होगी देन क्या होगा देन देर विल बी देन देर विल बी एक पहलू होगी दैन देर एग्जिस्ट क्या एग्जिस्ट करेगा तो ए कॉमा बी होगा वो बच्चे किस को बिलोंग करेगा ए क्रॉस बी को बिलोंग करेगा ऐसे बिलोंग करेगा कि फंक्शन ऑफ ए कामा बी जो होगा बच्चे वो बी कॉमा ए के इक्वल होगा हाँ सर इसकी डेफिनेशन फंक्शन की क्या बोल दोगे बच्चे ये क्या हो गया इफ़ इज ऑल्सो वन टू इफ इज ऑन टू अगर एफ वन टू हो गया तो मैं इसका मतलब तो क्या हो गया ये कैसा हो गया बाइजेक्टिव हो गया क्योंकि बाइजेक्टिव फंक्शन कौन से होते हैं वो फंक्शन बाइजेक्टिव होते हैं जो कैसे होते हैं वन वन भी होते हैं और ऑन टू भी होते हैं चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं क्वेश्चन नाइन गिवन है क्या गिवन है एफ एन इजक्ल टू गिवन है एन प्लस वन बाई टू एफ एन इजक्ल टू क्या है ऑड है एफ एन इजक्ल टू गिवन है एन बाई टू एन कैसा है इवन है चलिए तो ट्राई करते हैं पहले हम वन के लिए पुट करते हैं वन पुट करते हैं यहाँ पे तो क्या मिलेगा वन प्लस वन बाई टू बिकॉज इट इज ऑड नंबर टू बाई टू ये मिल गया वन नेक्स्ट नंबर पुट करते हैं नेचुरल नंबर की बात करें तो पॉजिटिव नंबर लेंगे सब लोग हम तो टू की बात करें टू पुट करते हैं तो वन टू बाई टू टू से टू कैंसिल तो क्या मिल गया वन मिल गया तो तुमने देखा कि एफ़ वन जो है और एफ़ टू दोनों की वैल्यू इक्वल हो रही है हमने क्या बताया अगर एफ़ वन और एफ टू दोनों की वैल्यू इक्वल हो जाएंगी तो इसका मतलब ही कैसा होगा नॉट नॉट वन वन ये नॉट वन वन हो गया वन वन नहीं है क्यों नहीं वन वन है क्योंकि हमको क्या मिला है एफ वन की वैल्यू एफ टू की इक्वल हो रही है इसी तरीके से एफ थ्री जो है एफ थ्री एफ फोर के एक कोलार है तो इसका मतलब कैसा होगा नॉट वन वन हो गया तो अब इसके सेकंड पार्ट की बात अगर करें हम लोग तो सेकंड पार्ट में क्या करना है हमको इसके लिए क्या चेक करना होगा हमको चेक करना होगा ऑन टू के लिए तो ऑन टू के लिए देखते हैं क्या होगा बच्चे अगर ऑन टू की बात करें हम लोग तो ऑन टू के लिए देखते हैं क्या है तो ऑन टू के लिए देखो बच्चे एक चीज़ समझो यहाँ पे कि एक चीज़ देखो बच्चे ऑन टू के लिए क्या कभी भी तुम्हारा जो नंबर है ये देखो इस तरीके से समझो नेचुरल नंबर यहाँ पे इस तरीके से नेचुरल नंबर है ये सेट ए है ये सेट बी है इस तरीके सेट बी है तो हमने किया कहाँ पे वन है टू है थ्री है फोर है फाइव है इस तरीके से तू तू वन टू थ्री फाइव सिक्स सेवन इस तरीके से तुमको पता चला वन किससे कनेक्ट है वन किससे कनेक्ट हो रहा है वन से कनेक्ट हो रहा है और टू भी वन से कनेक्ट है थ्री किससे कनेक्ट है टू से कनेक्ट है और या फोर भी कनेक्ट है किससे टू से कनेक्ट है तो एक चीज बच्चे देखो यहाँ पे समझना मेरी बात को क्या है बेटा कि यहां पर बी की जितनी वैल्यू है सभी की सभी इसे कनेक्ट है इसका मतलब ये क्या होगा ये फिज ऑन टू बी की जितनी भी वैल्यूज होंगी सभी कनेक्ट होंगी किससे इससे कनेक्ट होंगी या टेक की वैल्यू से कनेक्ट होंगी तो इसका मतलब क्या हो जाएगा ये ऑन टू हो जाएगा तो बेटा वन वन तो है लेकिन ऑन टू नहीं तो क्या बोल दोगे नो इट इज नॉट नो इट इज नॉट बाइजेक्टिव इट इज नॉट दिव बाटि नहीं है ने नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं क्वेश्चन नंबर टेन लेट एज कल टू आर माइनस थ्री एज कल टू आर माइनस थ्री और बीज कल टू आर माइनस वन तो सॉल्व करते हैं फंक्शन कैसे गिवन है ए टू बी ए टू बी एफ एक्स इज कल टू गिवेन है हमारे पास एक्स माइनस टू अपॉन एक्स माइनस थ्री लेट सी तो ए में वैल्यू हमको क्या लेनी है एज कल टू आर माइनस थ्री है अच्छा चेक और वन वन एंड ऑन टू हम इसको चेक करना चाहते हैं वन वन और ऑन टू के लिए तो क्वेश्चन नंबर टेन देखते हैं क्या गिवन है गिवन है एज कल टू आर माइनस थ्री एंड बीजक्ल टू आर माइनस वन फंक्शन इज सच दैट दैटाइन टू बी एफ एक्स इज क्वल टू एक्स माइनस टू अपॉन एक्स माइनस थ्री लेट्स सी बच्चे देखो यहाँ पे हम अगर पहले बात करते हैं मान लो सपोज करते हैं पहले वन के लिए बात करते हैं एफ वन की वैल्यू फाइंड करते हैं तो वन माइनस टू अपॉन वन माइनस थ्री इट बिकम वन माइनस टू कितना होगा बच्चे वन माइनस टू माइनस वन वन माइनस थ्री माइनस टू या आ गया वन बाई टू बच्चे अगर इसी तरीके से एफ माइनस वन की वैल्यू फाइंड करें क्योंकि रियल नंबर में सब कुछ होता है तो यहाँ पे क्या जाएगा वन माइनस माइनस वन टू माइनस वन माइनस थ्री तो ये हो जाएगा माइनस थ्री अपॉन माइनस फोर कैंसिल आउट इट बिकम थ्री बाई फोर तो आप देख रहे हैं एफ वन और एफ माइनस वन की वैल्यू डिफरेंट मिल रही है तो इसका मतलब क्या है कि हम जितनी भी जो भी एक्स की वैल्यू पुट करेंगे तो हमको जो हमारा फंक्शन मिलेगा डिफरेंट मिलेगा ठीक है फॉर ईच वैल्यू ऑफ एक्स वी विल गेट द डिफरेंट वैल्यूज़ इन बी तो हम क्या बोलेंगे यस इट इज वन वन यस इट इज वन वन ये वन वन हो गया अब बच्चे की और देखो सेकेंड पार्ट के लिए अगर हम बात करें इसके तो यहाँ पर क्या गिवन है बच्चे हमारे पास सेकेंड पार्ट में अगर हम बात करें ऑन टू के लिए तो ऑन टू के लिए देखो बच्चे कंडीशन क्या होती है जब हम ऑन टू के लिए बात करते हैं लेट्स आई एम गोइंग टू शो यू हियर आई जस्ट या इट इज गिवन द फंक्शन इज गिवेर एफ एक्स इज कल टू एक्स माइनस टू अपॉन एक्स माइनस थ्री लेट्स सी इसको वाई के इक्व कर लीजिए तो क्या हो जाएगा एक्स माइनस टू अपॉन एक्स माइनस थ्री मल्टीप्लाई बाई एक्स माइनस थ्री इट बिकम दिस एक्स माइनस टू जिस मल्टीप्लाई इट बिकम एक्स वाई माइनस थ्री वाई इजक्ल टू एक्स माइनस टू फ्राम हियर एक्स वाई दिस इज लाइक दैट माइनस एक्स ये हो गया थ्री वाई माइनस टू यहाँ से क्या करते हैं एक्स की वैल्यू कॉमन ले एक्स कॉमन ले लेते हैं तो हो जाएगा थ्री वाई माइनस टू अपॉन वाई माइनस वन ये आ गया तो देखो यहाँ पर अगर हम कोई भी वैल्यू पुट करेंगे बच्चे ध्यान समझना ये हमारे पास आ गया क्या आ गया एक्स इज्क्ल टू थ्री वाई माइनस टू अपॉन वाई माइनस वन तो, तो यहाँ पर अगर कोई भी वैल्यू आप पुट करोगे तो आपको एक चीज़ मिलेगी क्या चीज़ मिलेगी बच्चे कि अगर इसकी वैल्यू हम निकाल लें इस फंक्शन की हम वैल्यू निकाल लेते हैं तो लेट्स सी हाउ टू फाइंड द वैल्यू ऑफ़ दिस फंक्शन ये तो चल गया नहीं वन वन है तो सेकेंड पार्ट की बात कर रहे हैं ऑन टू के लिए देखते हैं तो अपने फंक्शन की बात वैल्यू को फंक्शन में पुट कर देते हैं देखिए क्या आ जाएगा फंक्शन में पुट करते हैं तो यफ ऑफ टी वाई माइनस टू अपॉन वाई माइनस टू यहाँ पे वैल्यू पुट करते हैं तो एक्स के प्लेस पे क्या आ गया थ्री वाई माइनस टू हाँ वाई माइनस वन माइनस टू अपॉन टी वाई माइनस टू अपॉन वाई माइनस वन माइनस वन आफ्टर सिंप्लीफाइंग हमारे पास क्या आ जाएगा हमारे पास आएगा वाइनस वाई माइनस वन एंसर वाई इसका मतलब ये कैसा हो जाएगा ये ऑन टू भी हो अगर ये ऑन टू हो गया तो बच्चे ये बाइजेक्टिव भी हो जाएगा तो ये क्या क्या है वन वन भी है ऑन टू भी है और बाइजेक्टिव भी है चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं क्वेश्चन नंबर ग्यारह देखते हैं क्या है लेट एफ इज सच दैट आर टू आर फंक्शन हमारा आर टू आर में डिफाइन है रियल नंबर टू रियल नंबर एफ एक्स इज कल टू एक्स फोर है कोई दिक्कत वाली बात नहीं है ज़रा वन पुट करते हैं वन की वैल्यू क्या आएगी देखो ध्यान से वन की वैल्यू वन फोर हो जाएगी वन आ जाएगी यफ़ माइनस वन की वैल्यू क्या आएगी यफ़ माइनस वन की वैल्यू जो होगी वो माइनस वन का पावर फोर होगा तो भी वन आ जाएगी वन वन तो नहीं है एफ इज नॉट द वन वन ठीक है ऑन टू की नॉट वन वन यहाँ पे लिख देते हैं नॉट वन 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 नहीं है तो ऑन टू के लिए देखते हैं ऑन टू के लिए क्या होगा बच्चे क्या बच्चे एक बार बताओ एफ एक्स इज टू एक्स फोर है या कभी माइनस टू कभी किसी पावर एक्स फोर का इक्वल होगा तो इसका मतलब नॉट वन वन भी नहीं ऑन टू भी नहीं तो इसका मतलब ऑप्शन हमारा डी जो है करेक्ट है डी इज राइट आंसर डी इज राइट डी आंसर जो है राइट right है चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं हम लोग क्वेश्चन नंबर बारह कुछ मैं ट्वेल्थ क्या कह रहा है लेट ए फिज सच दैट आर टू आर चलिए नेक्स्ट पार्ट है हमारे पास या फिज सच दैट आर टू आर की बात हो रही है डिफाइन फंक्शन क्या गिवेन फंक्शन गिवेन है थ्री एक्स चलो वन पुट करते हैं तो देखते हैं क्या मिलेगा थ्री इंटू वन इट बिकम थ्री माइनस वन पुट करते हैं तो देखते हैं क्या मिलता है थ्री इंटू माइनस वन इट बिकम माइनस थ्री टू पुट करते हैं देखना क्या मिलेगा थ्री इंटू टू इट बिकम सिक्स अगर हम माइनस टू पुट करते हैं तो देखते हैं क्या मिलेगा थ्री इंटू माइनस टू इट बिकम माइनस सिक्स या यू कैन सी फॉर ईच वैल्यू ऑफ एक्स यू आर गेटिंग द डिफरेंट वैल्यूज इन वाई यू आर गेटिंग द डिफरेंट वैल्यूज ऑफ वाई तुमको क्या पता चल रहा है कि हाँ एफ एक्स की हर वैल्यू के लिए हमको डिफरेंट वैल्यू मिल रही तो क्या बोलोगे यस इट इज वन वन ये क्या है वन वन है ठीक है अब ऑन टू के लिए देखते हैं तो बच्चे देखना ऑन टू के लिए क्या करते हैं देखो हमारे पास क्या गिवन है बच्चे हमारे पास गिवन था एफ एक्स इजक्ल टू थ्री एक्स हमने उसको वाई के इक्वल लेट किया तो वाई इजक्ल टू थ्री एक्स आ गया फंक्शन ऑफ एक्स क्या था थ्री बाई एक्स था थ्री एक्स था तो फंक्शन ऑफ वाई बाई थ्री क्या हो जाएगा टी इन टू वाई बाई थ्री टी एंड थ्री कैंसिल इट बिकम वाई यस इट इज ऑन टू इट इज ऑन टू तो ये बेटा क्या हो गया ऑन टू भी हो गया इसका मतलब क्या होगा एफ इज वन वन ऑन टू एफ इज मेनी वन ऑन टू एफ इज वन वन बट नॉट ऑन टू एफ इज नीदर या तो आई थिंक अकॉर्डिंग टू आर कंडीशन द आंसर इज करेक्ट आंसर इज ये क्यों क्योंकि ये है? कैसा है ये वन वन भी है ऑन टू भी है तो ये द करेक्ट आंसर मेरे प्यारे बच्चों आप लोगों ने पूरी वीडियो देख ली है अब और बच्चों अगर आपको मेरी वीडियो पसंद आई है तो डू लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब माई वीडियो एंड ऑल्सो शेयर इट विद योर फ्रेंड्स ओके फ्रेंड्स ओके थैंक यू चिल्ड्रेन